हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिजनेस इंटेलिजेंस प्रैक्टिकल का एक प्रैक्टिकल, परफॉर्म द डेटा क्लासिफिकेशन यूजिंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। ये बिजनेस इंटेलिजेंस का प्रैक्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में मोस्टली आते हैं। तो यहाँ पर हम अभी सबसे पहले तो हम लोग ये करने वाले हैं आर टूल में, आर टूल सॉफ्टवेयर में हम ये करने वाले हैं। अभी आर सॉफ्टवेयर में टाइम सीरीज फंक्शन रहते हैं, इसलिए हमने ये आर टूल में परफॉर्म करे ना। यहाँ पे अभी मैं कुछ स्टेप वाइज लिखने वाली हूँ, प्लीज़ इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सबसे पहले तो हम यहाँ पे टाइम सीरीज ऑब्जेक्ट यूज़ करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है आर टूल में। नाउ टाइम सीरीज इज़ अ डेटा सीरीज पॉइंट्स इन विच ईच डेटा पॉइंट इज एसोसिएटेड विद टाइम स्टैम्प। Now a simple example is the amount of rainfall in a region at different months of year. So in this example we are going to see this example. Now R language uses many functions to create, manipulate and plot the time series data. So therefore we are using this example in the R tool. Now the data for the time series is stored in an R object called time series object, and the time series object like is created by using the function. Okay, so हम लोग यहाँ पर बहुत सारे functions use करने वाले हैं। सबसे पहले मैं already आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर हम rainfall example हम लोग amount of rainfall in a region calculate करने वाले हैं। So सबसे पहले मैं यहाँ पर rainfall की values ले लूँगी। सो हमें पता है हम आर टूल में कैसे लिखते हैं रेनफॉल, देन ब्रैकेट में सारे मैंने वैल्यूज़ ले लिए हैं। मैंने यहाँ पर 12 वैल्यूज़ लिए क्योंकि हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 12 वैल्यूज़ लिए हैं। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उस हिसाब से आपके ग्राफ में चेंजेस आएंगे, तो कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, इट विल नॉट मैटर। नाउ सेकेंड लाइन में हमारा आएगा रेनफॉल डॉट टाइम्स टाइम सीरीज। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये हमारा इनबिल्ट टाइम सीरीज इनबिल्ट है हमारे पास टाइम सीरीज ऑब्जेक्ट में, इसलिए हम ये यूज़ करें। इसके अंदर हमें लिखना है देन टाइम टी एस करके देन ब्रैकेट में रेनफॉल स्टार्ट इज इक्वल्स टू सी 2012, 1 देन कॉमा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 12। न यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो रहेगा 12, एंड यहाँ पर हमें 2012 से लेना है, इसलिए हमने वहाँ से स्टार्ट किया है। देन यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे रेनफॉल डॉट टाइम सीरीज ऑब्जेक्ट। सो हमारे पास अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारा इस तरीके से कुछ मिलेगा, रेनफॉल डॉट टाइम सीरीज। सो हमें इस तरीके से कुछ ग्राफ मिलेंगे जो कि हमने ऑलरेडी इसमें प्लॉट कर चुके हैं। सी तो यहाँ पे हमने ये सारे वैल्यूज प्लॉट किए हैं। न यहाँ पर हमें इमेज चाहिए, यहाँ पर हम लोग कैसे बस ग्राफिकली जस्ट ऐसे ही बता रहा है, कुछ ग्राफ नहीं दिखा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे अब पीएनजी यूज़ करेंगे। फाइल इज इक्वल टू रेनफॉल डॉट जेपीजी मीन्स हमें इमेज में दिखाना चाहिए, तो हम प्लॉट करेंगे उसी ग्राफ में रेनफॉल डॉट टाइम सीरीज करके। यहाँ पर डिवाइस डॉट ऑफ कर देंगे, फंक्शन है डिवाइस ऑफ करने का, नल डिवाइस। एंड यहाँ पे हम फिर से प्लॉट रेनफॉल डॉट टाइम सीरीज करेंगे, यहाँ पर हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द लेटर अपडेट्स। थैंक यू।